सीबीएसई का जो क्लास 10th के लिए हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो यूनिट 1 है, या इसके लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, तो सीबीएसई का जो ये एकेडमिक सिलेबस इस बार आया 2020-21 सेशन के लिए, सीबीएसई का ये पेज नंबर 11 है इस सिलेबस का, करिकुलम का, और यहाँ पर कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन दी है। और इसकी सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाते हैं तो हार्डवेयर हमारे पास में अगर एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम है तो ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स या विंडो। तो आप सभी के कंप्यूटर में विंडोज बाय डिफॉल्ट जनरली आता ही है, लिनक्स में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। एंटीवायरस है तो ठीक है, चलो नहीं है तो भी काम चल जाएगा। प्रोडक्टिविटी सूट एग्जाम्पल दिया है ओपन ऑफिस, गूगल सूट एक्सेट्रा। तो हम बात करते हैं ओपन ऑफिस की। ये आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट 1 एडवांस लेवल है और इसमें है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल की सेशन में जब आप देखेंगे कि जैसे इसमें कुछ ऑप्शन है, यूज फिल फॉर्मेट टू अप्लाई ए स्टाइल, तो ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल ऑप्शन दिया है, ये प्रैक्टिकल ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं मिलेगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा ओपन ऑफिस के अंदर। तो इट मीन्स आपको अगर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड एज पर सीबीएसई सिलेबस करिकुलम आपको अगर प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप वर्ड पर कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अपाचे ओपन ऑफिस यानी यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर सीबीएसई ने अपने करिकुलम में मेंशन किया कि आपके पास ओपन ऑफिस होना चाहिए, तो ओपन ऑफिस एप्लीकेशन में जो राइटर एप्लीकेशन है, जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, उसमें आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आप अपने कंप्यूटर में ओपन ऑफिस इंस्टॉल करें। इसके लिए ये openoffice.org वेबसाइट है, फ्रीली अवेलेबल ये सॉफ्टवेयर है, आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप अपनी विंडोज का जो वर्जन है चूज कर लीजिए, या आपके कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर लेगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ मिल जाएगा। डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सिस्टम पर 134 MB, 135 MB इतना ही इसका साइज है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसके इंस्टॉलेशन का एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कि इसे इंस्टॉल करते वक्त क्या प्रोसेस होते हैं। मैंने पहले ही ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये अपाचे ओपन ऑफिस, राइट क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप अलाउ करेंगे यस, वेलकम टू ओपन ऑफिस 4.1.7। तो आप सेटअप के लिए नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो अभी सिंपल ऑप्शन है। आप सभी ने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल ऑलरेडी किया होगा, नहीं किया है तो आप यहाँ पर इस वीडियो की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप ओपन ऑफिस अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाल लेंगे। एक्सट्रैक्ट कर रहा है फाइल्स को, विंडोज इंस्टॉलर प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, ओपन ऑफिस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने वाला है। जब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, मैं आपको ओपन ऑफिस की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। ये है ओपन ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट और इसका ये विकी हेल्प फॉर्मेट है, यानी कि मैंने जब ये सर्च कर रहा था तो इसमें इजीली नजर आया कि द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, तो जो फिल फॉर्मेट ऑप्शन है, यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, तो वो आपको ओपन ऑफिस के अंदर ही अवेलेबल हुआ है। तो ओपन ऑफिस आपको चाहिए ही अगर आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई करिकुलम, अदरवाइज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इजीली ये काम कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वर्ड विंडो खुली हुई है, यहां पर ये आपका होम टैब में स्टाइल ग्रुप है और इस स्टाइल ग्रुप में आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, तो प्रैक्टिकल से भी आप यहाँ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर स्टाइल फॉर्मेटिंग करनी है, प्रॉपर प्रैक्टिकल उसी के अकॉर्डिंग करना है जैसा सीबीएसई के करिकुलम में है, तो फिर आपको ओपन ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने पर वो आपके लिए इंस्टॉलर विजार्ड को आगे बढ़ाएगा, आप अपना यूजर नेम डालेंगे, जो भी आपकी कंप्यूटर का नेम होगा बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इस पे होम यूज कर सकते हैं। एनीवन हु यूज दिस कंप्यूटर, यस, आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। टिपिकल या कस्टम, तो आप टिपिकल लेवल पे अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं, जैसे वो बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल करने की परमिशन दे रहा है। नेक्स्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बन जाएगा, ओके, इंस्टॉल कर लेते हैं हम। आफ्टर कंप्लीशन आपको मिलेगा इंस्टॉलेशन विजार्ड कंप्लीट, द इंस्टॉलेशन विजार्ड हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ओपन ऑफिस। आप जैसे ही फिनिश पर क्लिक करेंगे आपका ओपन ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। ओपन ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है, ओपन ऑफिस 4.1.7 ये डेस्कटॉप पे आइकन आ गया है, आप इस पर डबल क्लिक करके अपने ओपन ऑफिस को अपने सिस्टम में स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अभी इस पर डबल क्लिक कर दिया है, ओपन ऑफिस आपके सिस्टम पर लोड हो रहा है। वेलकम टू ओपन ऑफिस 4.1.7, तो पहला है आपका वेलकम विजार्ड। नेक्स्ट करेंगे, आप अपना नाम डाल सकते हैं यहां पर, फिनिश करेंगे, ये है ओपन ऑफिस 4 की ऑफिशियल विंडो। आपको काम करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर, यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर के लिए, उस यूनिट के लिए आपको आना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर।
आप टैक्स डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके ओपन ऑफिस पर, यानी ओपन ऑफिस पूरा एक सूट है जिसके अंदर ये कुछ एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन आपकी टैक्स डॉक्यूमेंट, जिसे हम राइटर के नाम से भी जानते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है ओपन ऑफिस राइटर। तो ओपन ऑफिस राइटर पे हम प्रैक्टिकल करेंगे स्टाइल्स का।